परफेक्ट बालूशाही की पहचान होती है कि वो ऊपर से हल्की सी क्रिस्प और अंदर से एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, और अगर आप इसको इस तरह से तोड़ें तो एकदम जूसी होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूँ शिल्पी। आज हम मिलकर बनाएंगे बालूशाही कुछ बेसिक टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। बालूशाही बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे चाशनी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 कप शक्कर ली है और इसमें मैं डाल दूंगी शक्कर का ठीक आधा यानी 1.25 कप पानी। हम इसको अच्छे से चलाएंगे और शक्कर को हम मेल्ट हो जाने देंगे। तो जब तक शक्कर घुल रही है हम इसमें थोड़ी सी केसर डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। केसर इसलिए पहले डाला जाता है जिससे कि इसका जो कलर है वो अच्छे से आ जाए चाशनी में। चाशनी अब बॉईल हो रही है, शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है। इस टाइम पर हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, इसको भी मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। इससे क्या होगा, बालूशाही में बहुत अच्छा सा कलर आएगा, नहीं तो वो देखने में थोड़ी सी लाइट ब्राउन सी दिखती हैं। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें ना डालें। तो इस चाशनी को ध्यान रखिएगा, हमें 1 या 2 तार की बिल्कुल नहीं बनाना है, बस इसको 7 से 8 मिनट तक इसी तरह से कुक करना है। तो ये देखें, जब आपको चाशनी जो है इस तरह की थोड़ी स्टिकी दिखने लगे और हल्की सी शाइनी सी दिखने लगे, इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार है। हम गैस को ऑफ कर देंगे और अब हम इस टाइम पे इसमें 2 से 3 ड्रॉप नींबू के जूस की मिला देंगे। इससे क्या होगा, हमारी चाशनी क्रिस्टलाइज नहीं होगी। चाशनी बिल्कुल तैयार है, हम इसको साइड में रखेंगे और आइए बालूशाही के लिए आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ली है। तो 1 कप जो है मेरा वो 235 ml का है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/4 teaspoon नमक और बिल्कुल 1 teaspoon नाप के बेकिंग पाउडर। तो याद रखें, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। और इन सबको बहुत अच्छे से हम छान लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको छान लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे बिल्कुल 1/2 कप नाप के घी। तो देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर घी का ही इस्तेमाल होता है बालूशाही में, तेल ना डालें आप। इसको मिला देंगे हम थोड़ा सा। इसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें एग्जैक्टली नाप के 1/2 कप पानी। तो प्रोपोर्शन बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल नाप के डालें। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमें आटे को सिर्फ मिक्स करना है, इसको हमें गूंथना नहीं है। आप देख सकते हैं मैं इसको बिल्कुल ज़ोर लगा के नहीं गूंथ रही हूँ, सिर्फ इसको आपस में बिल्कुल धीमे हाथों से बाइंड कर रही हूँ। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के गूंथ देंगे, जैसे कि रोटी का आटा गूंथते हैं, तो इसमें ग्लूटेन आ जाएगा और फिर इसमें लेयर्स नहीं आएंगी। तो ये देखें, आटा मैंने बाइंड कर दिया और आप इसमें देख सकते हैं कितने सारे लेयर्स हैं, मतलब ये बिल्कुल भी मैंने एक सा नहीं किया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आटे को ढके हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसे निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी जाली है इसमें, क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर डाला था तो ये आटा जो है फूल गया है और इसमें ऐसी जाली आ गई है। तो आप इसको बस इस तरह से 7 से 8 बार इस तरह से तोड़ लें इसको, इससे इसमें बहुत अच्छी लेयर्स आएंगे। ये देखिए ये तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसके इस तरह से बॉल्स लेंगे। तो बहुत बड़े बड़े बालूशाही नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे बनाएंगे। इसको हमें हाथ में लेके अच्छे से इस तरह से गोल घुमाना है। ये देखिए, लेकिन बहुत जेंटल हाथों से मैं घुमा रही हूँ। और जो आप देखते हैं कि ऊपर वाला जो पार्ट है बालूशाही का, उसमें से एक आपको गोल गोल सा स्ट्रिल दिखता है, वो इसी से आता है। तो ये देखें, हमने इसको घुमा लिया, इसमें अभी से बहुत अच्छी सी लेयर्स आ गई हैं। अब हम इस तरह से इसमें होल कर देंगे। तो आप उंगली से कर दें या फिर आप कोई स्टिक ले लें उससे कर दें, तो होल करने से ये बहुत अच्छे से अंदर तक सिक जाती हैं। तो आइए अब इनको फ्राई करेंगे। बालूशाही को फ्राई करने के लिए यहाँ पर आप घी या तेल किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया है और हम एक छोटा सा टुकड़ा डाल के देखेंगे। तो ये देखें, नीचे सेटल हो रहा है पर इसमें हल्के हल्के से बबल्स आने लगे हैं, इसका मतलब ये तैयार है फ्राई होने के लिए। हम इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल धीमे होना चाहिए और अब हम इसमें ये बालूशाही डालेंगे। तो देखें, बिल्कुल ऐसे नीचे सेटल हो जाना चाहिए। तो अभी हमें इस टाइम पे इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको इस टाइम पे टच कर देंगे तो ये फट सकती हैं। हम इनको सिकने देंगे और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि अपने आप ही ऊपर फ्लोट होने लगेंगे। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये ऊपर फ्लोट करने लगी है। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो आप कोई स्टिक ले लें या चम्मच के पीछे वाला हिस्सा ले लें और इनको टर्न कर दें। यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है कि स्टोव की आंच बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। बालूशाही सिक चुकी है ऑलमोस्ट और इसमें लाइट ब्राउन कलर आ चुका है,
तो अब हम क्या करेंगे, आंच को हल्का सा तेज़ करेंगे, मतलब मीडियम पे कर देंगे, जिससे कि इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। ये देखिए बालूशाही बनकर बिल्कुल तैयार है। इस पर बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और आप इसमें देख सकते हैं कितनी अच्छी सी लेयर्स आई हैं। मैं इनको निकाल लूँगी और मैं गैस को ऑफ कर दूँगी, उसके बाद इसमें सेकेंड बैच डालूँगी, क्योंकि अगर इतने गर्म घी में हमने सेकेंड बैच डाल दिया तो वो ख़राब हो जाएगा। तो इसी तरह से हम बाकी सारी बालूशाही फ्राई कर लेंगे और इनको हम हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे का प्रोसेस क्या है। ये देखिए मैं आपको एक बालूशाही दिखाती हूँ, कितना बढ़िया कलर आया है इसमें और आप अच्छे से देख सकते हैं इसमें कितनी बढ़िया लेयर्स भी हैं। तो बिल्कुल इसी तरह की सेकनी है हमें। तो आइए अब इनको शुगर सिरप में डालते हैं। बालूशाही को हम चाशनी में डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर चाशनी को फिर से हल्का सा गर्म किया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ना तो बहुत गाढ़ी है ना पतली। तो बहुत ध्यान रखिएगा कि ऐसी भी ना हो कि एकदम आपकी चाशनी पतली हो, और अगर चाशनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी तो बालूशाही उसको अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं करेगी। और टेम्परेचर देखने के लिए अगर आप इसमें अपनी फिंगर डालें तो आपको हल्की सी गर्माहट फील होनी चाहिए, तो इसका मतलब आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। आइए इसमें बालूशाही को डिप करते हैं। हम इनको हल्का सा दबा देंगे इस तरह से। तो हम इस तरह से इसको 5 मिनट तक डिप रहने देंगे और उसके बाद हम इनको टर्न करेंगे। तो यहाँ पर जो बालूशाही भी है वो हल्की सी गर्म है, एकदम ठंडी नहीं हुई है, और चाशनी बालूशाही से हल्की सी ज़्यादा गर्म है। उस टेम्परेचर पे हम इनको डिप करना है। अब 5 मिनट हो चुके हैं, हम इनको एक बार फिर से पलट देंगे, ये देखिए, और अब हम इनको फिर से थोड़ी देर चाशनी में एब्जॉर्ब होने देंगे। बालूशाही को रखे हुए मुझे 2 मिनट और हो चुके हैं, मैं इसे निकाल लूँगी। तो ये देखें एकदम परफेक्ट है, अच्छे से इसने शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर लिया है। बहुत ज़्यादा देर बालूशाही को चाशनी में नहीं छोड़ना है, नहीं तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। मैंने इसको एक जाली पे निकाल दिया है जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा शुगर सिरप है वो बाहर आ जाए, और इसको गार्निश करेंगे बिल्कुल बारीक कटे हुए पिस्ते के साथ। आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है, और मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी जूसी है अंदर से, बिल्कुल परफेक्ट बनती है अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट्स लें और मेरी रेसिपी को फॉलो करें। तो ट्राई ज़रूर करिएगा एंड आई होप ये आपको बहुत पसंद आए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।